हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूंगी। और ये मॉर्निंग 11 o'clock से मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और नीचे गई, थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं कुकिंग करने के लिए आ गई थी लंच को। और आज बनाने वाले हैं बैंगन का भुरता साउथ इंडियन स्टाइल। तो यहाँ पर मैंने अनियन, टमेटोज और ब्रिंजल बैंगन और ग्रीन चिलीज को कट कर लिया है। सब कुछ रफली चॉप करना है, उसको एक प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। देन वे ऐड सम रेड चिली पाउडर एंड आल्सो ऐड सम टर्मरिक पाउडर। देन ऐड सॉल्ट एज पर टेस्ट और उसके बाद थोड़े इसमें हम टैमरिंड यानी कि इमली ऐड करेंगे। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ऐड कर देंगे। साथ में ज़ीरा मेथी का पाउडर ऐड करेंगे और सॉल्ट एज पर टेस्ट और उसको हम 1 cup ऑफ वाटर ऐड कर देंगे उसमें और प्रेशर ले लेंगे। इधर मैं जितने भी जो स्पाइसेस के बॉक्स रहते हैं उनको, कंटेनर्स को मैं वॉश कर लूँगी। तो वीकली मतलब 15 डेज में 1 time मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे वॉश कर लिए हैं और उनको अम्मी को दे दिया था कि आप इनको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि वापस से रिफ़िल करना था। क्योंकि आज ग्रॉसरी आई थी तो मुझे सब रिफ़िल करना था, तो मैंने बोला अच्छा एक बार क्लीन कर देंगे कंटेनर्स, उसके बाद हम उसमें फिल कर देंगे। साथ में यहाँ ज़ीरा मेथी पाउडर जो यूज़ होता है वो भी मैंने भूनकर और बना लिया था, तो उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। देन मैंने भूनकर इसको ग्राइंड कर लिया है एज अ पाउडर। और साथ में हमें अनियन चॉप कर ली, रफली चॉप, क्योंकि अब बनाएंगे हम मोरिंगा लीफ्स की भाजी, जो मूंगी की फली की भाजी बोलते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर में कोकोनट, रेड चिली और गार्लिक को ऐड कर लिया और रफली चॉप अनियन कर लिए हैं, उसको ऐड कर लेंगे। और जो ये लीव्स हैं इनको अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है। एक बेसिल में मैंने ऑयल ऐड करा है, उसमें भाजी ऐड करी और जो मैंने मिक्सी में करा था उसको ऐड कर देंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे, उसको पकने छोड़ देंगे। इसमें जो मेरी भाजी भुट्टा था उसको अच्छे से घोट लेंगे, थोड़ा पेस्ट टाइप बना लेंगे और उसके बाद उसमें तड़का देंगे। साथ साथ में मैं राइस भी बना रही थी। और यहाँ मैंने गार्लिक, कड़ी पत्ता लीव और राय को ऐड कर दिया है, भुट्टे में मैंने तड़का दे दिया। इधर भुरता कंप्लीट हो गया है, मतलब रेडी हो गया। और इसके बाद कंटेनर्स को फिल करेंगे जितने टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, राई, मेथी, ज़ीरा और काली मिर्च उसका पाउडर और जितने भी मसाले जो डेली यूज़ होते हैं उनको हम फुल रिफिल कर देंगे। और 15 डेज में वंस मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये है कि अच्छा रहता है कि क्लीनिंग भी, आपकी किचन भी क्लीन रहे, घर भी क्लीन रहे, तो कुकिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो मुझे क्लीनिंग ज़्यादा पसंद है, तो मैं इजली क्लीन कर लेती हूँ और इसलिए अब पूरा मैं इसको अच्छे से फिल करके किचन में सेट कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और वीडियो में कैसा कंटेंट आप देखना ज़्यादा पसंद करेंगे तो मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सब कैसे हैं, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। साथ में किचन कुछ इस तरीके से हो गई थी तो उसको भी क्लीन करना है, तो ये सेकेंड टाइम मैं किचन को क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ मूँग की दाल, तो उसमें मैंने ऑयल, हल्दी डाल के ऐड कर दिया है और उसमें प्रेशर ले लेंगे। साथ में इधर बना रही हूँ रागी बॉल्स की हिट, इधर साउथ की ये भी एक रेसिपी है। तो उसमें थोड़ा जो पानी, हम लोग जो राइस बॉईल करते हैं उसका जो वाटर होता है उसमें थोड़े से राइस डाल दिए हैं। इधर मेरी सासू मोम हेल्प करने आए थे तो वो थोड़ा मिक्स कर रहे थे, उनसे थोड़ा मिक्स हुआ, फिर उसके बाद मैंने मिक्स किया, फिर उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करा कि इस तरीके से बॉल्स बनाओ। तो आज मेरे फादर इन लॉ की डिमांड पर ये बना था, तो फिर उनकी बॉल्स बनाकर हो गया। तो देखिए यहाँ राइस हो गए, बॉल्स तैयार हो गए, मतलब रागी की बॉल्स हिट बोलते हैं, और ये भुरता और साथ में भाजी। 2 o'clock हो गए थे और इधर अब्बू खाने का कॉमेंट देंगे कैसा बना है। से मच्छी कटा
हिट में मैंने भी थोड़ी मेहनत करी है। और यहाँ पर सूखे कबाब भी मैंने थोड़े फ्राई करे थे, तो और साथ में मैं दाल को भी तड़का दे दूंगी, जिसमें मैंने ऑयल हीट करके गार्लिक करी पाक और ये ड्राई ऐड करे हैं। फिर इसमें अनियन ऐड कर दें, उसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे, लाइट पिंक कर लेंगे। जब तक मेरी हो रही है तो देखिए मेरी किचन का भी मैंने कंटेनर्स फिल करके पूरा सेट कर दिया है। और उसके बाद ही हम मेरे अनियन हो गए, उसमें मैं टोमेटो और ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। मैंने इस दाल में रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करा है, पूरे जो भी स्पाइस रहेगा उसका टेस्ट वो ग्रीन चिली का रहेगा। तो ग्रीन चिली आपको जितना तेज पसंद है आप उतना स्पाइसी जितना पसंद है उतना मिर्ची डालना। यहाँ तड़का हो गया, उसमें मैं कोरिएंडर लीफ डाल दूंगी और दाल को फिनिश कर दूंगी। साथ में मुझे आटा भी फिल करना तो मैंने वो भी कर दिया। अब फिर से किचन को, ये थर्ड टाइम मैं किचन को क्लीन करूंगी अब। और आज किचन में काफ़ी काम हो गया तो मुझे थ्री आवर्स मेरे किचन में निकल गए थे। और इसके बाद लंच करके मैं रूम में चली गई थी। और इधर देखिए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी क्लीन हो गया, लंच भी हो गया। उसके बाद मैं भाभी को पटेटो देने गई, उनको चाहिए थे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो यहाँ मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई थी। और उसके बाद हम लोग, मैं और ये डॉक्टर के पास चले गए। और ये मेरा गिफ्ट है तो वो मुझे दिखा रहे थे। उसके बाद यहाँ मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, इसाबेल एक हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ हम जा रहे थे। मुझे थोड़ा रेगुलर चेकअप के लिए जाना था, तो मैं और मेरी भाभी साथ में चले गए थे। आज हमारी अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ गए। वहाँ पे मैं डॉक्टर से बात करे, 1 आवर उधर हो गया था। फिर वहाँ जाकर डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोग इनको कॉल करे तो वो 1 आवर जितना गया था। हमें 5 o'clock गए थे और 6:10 को घर पर आ गए थे। फिर घर आकर मैंने अम्मी अबू के लिए चाय बनाई और चाय बना के उन लोगों को दी। उधर अम्मी अबू सब लोग मिलकर बैठ के बात कर रहे थे, और इधर ये मेरी नानी जान अब्बू को उठा रहे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आफ्टर मगरिब नमाज और मैं और मेरी भाभी वॉक के लिए चले गए थे। फिर हम लोगों ने 1 आवर वॉक करा और यहाँ से कुछ भाजी जो होते हैं वो ख़रीदी, और वो लेकर हम लोग घर पर आ गए थे। यहाँ मैं घर पर आ चुकी हूँ। उसके बाद टाइम 8:30 हो गया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया 10-20 मिनट्स। उसके बाद रात के डिनर किया, और हमने डिनर में खाया रोटी और मूंग की दाल। आप लोगों ने डिनर में क्या खाया मुझे ज़रूर बताएं। और बस यही था, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते एक न्यू वीडियो में।